ये ऊंट भी आ गए इधर। ये अब हम करने वाले हैं कैमल राइडिंग। तो व्यूअर्स, अब हम ब्रेकफास्ट करने के बाद चल पड़े हैं कैमल राइडिंग के लिए। यहाँ पुष्कर में भी एक डेजर्ट है, तो हम जा रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए, हम सब जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी रेत रेत दिखेगी आपको। वो जो आगे चल रहे हैं भाई, वो हमको लेके जा रहे हैं। और ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। शिव हाय बोलो व्यूअर्स को। कृषांग से हाय टू व्यूअर्स। कहाँ जा रहे हैं हम? वो देखो पापा, कहाँ जा रहे हैं हम? व्यूअर्स, अगर आपको याद होगा तो स्टार प्लस में एक सीरियल आता था, दी और बाती। तो यही वो पुष्कर शहर है जहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। और मैंने यहाँ के लोगों से पूछा भी, वो हनुमान गली भी देखी मैंने। अगर वापस हटते हुए वो गली आएगी फिर से, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलो मिलते हैं डेजर्ट में। देखिए व्यूअर्स, तो ये आ गई हमारी कैमल कार्ट। हम इसमें बैठ के जाएंगे, हम इस कैमल राइडिंग का मज़ा लेंगे। वाओ, हमारा ऊंट आ गया। हटो यहाँ से। चलो बैठते हैं, आइए व्यूअर्स। वाओ, तो व्यूअर्स ये देखिए, ये आगे हमारी कैमल कार्ट। हम इसमें बैठ के मजा लेंगे। चलो वन बाय वन बैठो सारे। आपके ये सूज है ना, इसमें डाल देना। क्या बोला? जूते बोरी में ना, जूते बोरी में। मेरे को बैठते हुए लेना। क्या क्या आप और आप जाओ उधर, और अच्छा बने के जाओ, आप जाओ। बैठ गए सब लोग। ये ऊंट भी आ गए इधर। नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ से पकड़ के बैठ जाऊँ, यहाँ बैठ जाऊँ। अरे देख तो देव मना है, मैं जानू भी तुझे। दादा मैं इधर आया। और तेरी बहुत लंबी है। खुद जाने के लिए अगर डाको जाके मिशन से ना, तो ही जाते जाते। ये आज कुपरी मैंने कौन सा व्यूअर्स, तो ये देखिए हम कर रहे हैं कैमल राइडिंग। और ये देखिए, ये है डेजर्ट। और ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, जो आपको टॉप में मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी, जो वो मतलब गए थे पहाड़ी पे मंदिर पे। और ये माता रानी है, सावित्री माता, और यहाँ पे शूटिंग हुई थी करण अर्जुन की। थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको मंदिर। ये देखिए, याद तो होगा आपको गाना, ये बंधन तो है ना भैया। चलिए अब दिखाते हैं इस प्यारे से ऊंट को। ये ऊंट जो है बहुत तेजी से चल रहा है बीच बीच में, और हमें बहुत ही डर लग रहा है। ये देखिए हम सारे किस तरह से बैठे हुए हैं, दो बच्चे आगे, एक बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। अरे बदनाम मत करो यार मेरे ऊपर। एक भाभी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, और जी मैं बैठी हूँ। भैया इस ऊंट का नाम क्या है? इसका लक्की है, मेरा वो मेरा रंगीला है ना। अच्छा, आपका नाम रंगीला है और इसका लकी है। अच्छा अच्छा, कितनी साल का हो गया ये ऊंट? 15 साल का है। अच्छा, इनका जीवन कितना होता है? 35 मतलब 35। अच्छा रह गए तब तो। चलो हम कैसे, हम तो बहुत ज्यादा आधी, कितना मजा आ रहा है ना।
ये देखो कितना भाग रहा है ये व्यूअर्स, आए तुगड़ 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 तो घोड़ा करता है। वाओ 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 ये देखिए व्यूअर्स, बीच बीच में पेड़ है, थोड़ा थोड़ा रेगिस्तान है, बहुत ही मजा आ रहा है। ये पुष्कर शहर का रेगिस्तान है और यहाँ हम आज सुबह ही 5 बजे उठ गए थे क्योंकि हमें जाना था ब्रह्मा आरती में, तो सुबह ही उठ गए थे तभी हम इतना घूम पा रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। व्यूअर्स तो अब हमें भैया लेके जा रहे हैं अंग्रेजों के पॉइंट में, अब देखते हैं वो अंग्रेजों का पॉइंट कैसा होता है। और ये बोल रहे हैं कि आप लोग लकी हो कि मैं आपको ज्यादा दूर लेके जा रहा हूँ, तो पता नहीं। चलो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे जाओ, चलो 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 आगे जाओ, चलो जोर लगा के हाई शाह, जोर लगा के हाय ईशा। देखो ये बेचारा ऊंट और हम इतने सारे बैठे हैं और ये हमें लेके जा रहा है ऊपर। चलिए देखते हैं व्यूअर्स अंग्रेजों का पॉइंट कैसा है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम आगे थोड़ा टॉप में, तो कुछ इस तरह का लग रहा है व्यू, आसमान भी ऐसे पास पास लग रहा है। और ये देखिए, ये देखिए रेगिस्तान, पुष्कर का रेगिस्तान। और ये भैया बता रहे थे, रंगीला भैया बता रहे थे कि यहाँ पे जो है दी और बाती की शूटिंग भी हुई थी, जो आपकी फेवरेट कपल थे, क्या नाम था उनका, सूरज और संध्या। यस, सूरज और संध्या, ये भैया ने याद दिला दिया क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं तो इनको ज़्यादा पता है। चलिए देखते हैं अंग्रेजों का पॉइंट जैसा कि भैया बोल रहे हैं। और सो फाइनली हमें ऊंट वाले भैया मिस्टर रंगीला ने उतार दिया है और ये है हमारा प्यारा सा ऊंट, इसमें बैठ के हम आए हैं। और इस ऊंट का नाम है लकी। और वो देखिए वो बच्चे खेल रहे हैं रेत के साथ, उनके साथ भाभी जी भी खेल रही हैं। और मिलाती हूँ मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज से, एक प्यारा सा डॉगी है यहाँ पे। हेलो, आ जा। इस डॉगी का क्या नाम है? जैकी स्पैरो। हेलो जैकी स्पैरो, जैक स्पैरो, खाता तो नहीं है ये? नहीं नहीं, जैक स्पैरो इधर आओ। यार मन के लावड़ी जोड़ो। ये देखिए व्यूअर्स, तो ये है जैक स्पैरो, गंदा कुत्ता का है, अच्छा कुत्ता है। सब बैठ रहा है द ब्रेव कृषा गूंड पे। आप भी ले लीजिए। अरे वाह, ऊंट ने भी स्माइल लेना शुरू कर दी। कृषांग, ओ वाओ, ये कृषांग द ब्रेव कृषांग, ये ऊंट के ऊपर अकेला बैठ गया, गुड कृषांग। देखिए व्यूअर्स, अब नेक्स्ट जा रही हूँ मैं ऊंट के ऊपर, मुझे देखना मैं किस तरह से चढ़ती हूँ। ये देखिए फाइनली मैं ऊंट पे बैठ चुकी हूँ बिना किसी की हेल्प। ये भैया हिल रहा है ये। इंसानी में फोटो देना होता है पोज। वेरी नाइस बेटा। व्यूअर्स, मेरे हस्बैंड भी ऊंट के ऊपर चढ़े हुए थे, आप उतर रहे हैं। उतरिए उतरिए जल्दी उतरिए।
व्यूअर्स, अभी जो इसका मालिक था रंगीला, वो बोल रहा था कि पहले ये ऊंट जो है 3 लोगों को मार भी चुका है, पहले थोड़ा शरारती जैसा होता था, उन्होंने इसे ठीक कर दिया है, पर अब भैया चढ़ रहे हैं। ये देखिए अब भैया भी चढ़ गए, अब ये फोटो खिंचाएंगे। ये क्या बना रहे हो? क्या क्या बीकन? वो क्या होता है? जिससे लावा निकलता है, वो फट जाता है बीकन। जिससे लावा निकलता है? हाँ। अरे वाह, मुझे पानी चाहिए, लोगो बनाऊंगा। लोगो बनाएगा? हाँ, इसके लिए मुझे पानी चाहिए होगा। इसके लिए पानी चाहिए होगा। वेरी नाइस। व्यूअर्स गाना सुना रहे हैं, केसरिया बालम। वाह, ये देखिए व्यूअर्स, अब हम पुष्कर के रेगिस्तान को छोड़ के मेन हाईवे पे आ गए। अब ये ऊंट महाराज जी हमें हाईवे पे लेके लेते हुए जाएंगे। आगे हो जाओ, तो ये पहुंच गए हम सड़क में, और ये रहा हमारा लकी जो हमको लेके जा रहा है। तो ये देखिए अब चल पड़े हम पुष्कर की सड़क पे। अरे बाइक वाला आ रहा है पीछे से, और आगे चल रहा है हूँ। वो देखिए कैसे कैसे पोज दे रहा है लकी, देख रहा है यहाँ वहाँ। व्यूअर्स, ये जो आपको सामने हवेली दिख रही है, तो भैया बता रहे हैं जो करण अर्जुन मूवी थी उसमें यही हवेली थी, जिसमें क्या करण अर्जुन रहते थे। ये देखिए जो सामने आपको हवेली दिख रही है, ये करण अर्जुन मूवी में यूज की गई है उस सामने। भैया ये देखिए व्यूअर्स, ये सामने सैंड आर्ट किया गया है, बनाया तो बहुत सुंदर है, पर यहाँ पे सन रेज इतनी ज्यादा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। चलो फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। नाइस सैंड आर्ट, ये देखिए। अब ये बताओ फिर आपकी क्या क्या हिस्ट्री है, आपने कब शादी की भैया? अरे यार, ये हिस्ट्री मतलब 10 साल की उम्र में आपने शादी कर दी, और 35 साल आपकी उम्र है, और आपकी लड़की की शादी होगी है ना? कहाँ शादी हुई आपकी लड़की की? मैं हिंदू हूँ, मेरी घर वाली मोहम्मदन है। अच्छा, घर वाली मोहम्मदन है, तो आपकी घर वाली मोहम्मदन क्यों है? मतलब आपको चाचा चाचा हेलो बोले ले आजा। ये हमें जो ऊंट वाले भैया हैं रंगीला भैया, वो बता रहे थे अपनी हिस्ट्री कि उन्होंने 35 इयर्स के हैं, और 10 साल की एज में ही उन्होंने शादी कर ली थी, और उनकी लड़की और लड़का है, और लड़की की शादी हो गई है। तो मुझे ये जान के बेहद थोड़ा सा वो हुआ कि इतनी कम उम्र में क्यों शादी की थी, तो मैंने कहा इसको क्यों ना व्लॉग में शूट कर लूं। भैया और भी कुछ बताइए अपने बारे में। अरे मैं क्या बताऊं, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, रिव्यू बच्चे हैं बस। अच्छा, तो आप यहीं पुष्कर से ही हो? हाँ, जयपुर से। जयपुर से? तो जयपुर से यहाँ आए हो पुष्कर में? 20 साल हो गए मेरे को। अच्छा, देखिए व्यूअर्स, तो पुष्कर में किस तरह से गवों को घास खिलाई जा रहा है। आज एक्चुअली मकर संक्रांति भी है, तो आपको पता ही है यहाँ पे
मकर संक्रांति का क्या महत्व है, पूरे भारत में ही उसका बहुत महत्व होता है। पर ये देखिए किस तरह से गांवों को घास खिलाई जा रहा है। ओके व्यूअर्स, तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आपको पुष्कर दिखाना था राजस्थान का। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। शोर आ रहा था इसलिए मैं रुक गई। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।